अब मैं कुछ आर्टिस्ट के नाम लूंगी। आपको उनकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है सिद्धू जी। उन्हें तो सभी अच्छा है क्या बताएं वो तो एक मिसाल है स्ट्रगल के लिए सच बताऊँ तो कि इंसान कुछ भी कर सकता है चाहे तो किसी भी लेवल तक जा सकता है मुझे कहते थे कि पतला सा है क्या तू आएगा वीडियोस में ये वो बट मैंने ये चीज सीखी चीज़ें मायने नहीं रखती आपके लिए अगर आप में टैलेंट हो तो, तो आपने ही तो घर पे बोला था कि आप अपनी बेटी दे, दे दीजिए मैं उसको खुश रखूंगा मैंने कहीं थी खुश रखो तो नहीं मैं जाऊं तो मैं, तो मैं।, मैं बर्बाद होना चाहूंगा बर्बाद कर देगा नहीं कर मैं दे दे बर्बाद नहीं कर रही आपने ही कहा था ना मैं कमाऊंगा और तू उ हो तो बस कही वाला ज्यादा स्पीड तो नहीं डर लग रही तू तो बचेंगी नहीं ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਯੂ ਰੇਡੀਓਸ ਹਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਂਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੀਲੀ ਦਕਰਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਘੈਂਟ ਜੇ ਸਵੀਟ ਜੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕੜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੰਨੀਆਲਾ ਐਂਡ ਮਾਹੀ ਗੌਰ ਅੱਜ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਕੁੱਸੁੱਤੇ ਗੜਾ ਗਾਰੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸੁਰੀਲੀ ਕਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ आज थारी बोली में बात चल लेगी <laughs> आपने अपने माँ बाप के सवाल के जवाब दिए हैं आपने अपने फैंस के सवाल के जवाब दिए हैं पर इब सुरीली मौका दे रही है एक दूसरे ने सवाल पूछ का और सबसे पहले माही आप पूछो सवाल गुलजार से तो शुरू करें यस सो माई फर्स्ट क्वेश्चन आपके नाम से शुरू है <laughs> गुलजार नाम रखने के पीछे गई वजह क्या है गुलजार नाम वैसे लिखा करता गाने लिखा करता बचपन <laughs> <था। laughs> तो कर का शौक था तो दोस्त चिढ़ाया करते दे ज्यादा गुलजार ना बना तो क्या गुलजार बनाएगा ऐसा लिखे लिख के सारे दिन लिखे आता है तो तब तक जब ज्वाइन करी इंडस्ट्री तो मैंने कहा तो गुलजारे बन के दिखावागे तो गुलजार साहब इतने बड़े नाम है उनका तो मैंने सोचा भी मैं गुलजार छानी वाला हूँ मैं छानी का गुलजार हूँ तो उस वजह से गुलजार वाला नाम रखा आपका सपना था कि मैं नेवी ऑफिसर और फिर आपने फॉरन जाने का भी प्लान बनाया नहीं। पर वो जहाज जहाजा नहीं नहीं। उसके पीछे की रीज़न रीज़न क्या है रिजन... देखो कुछ तो म्यूजिक वजह था और एक रीजन मेरा भाई भी क्या छोटा भाई जो है उसने कह दिया कि भाई मैं तो प्रोसेस चल रहा था आइल्स कर लग रहा था मैं तैयारी चल रही थी मेरी तो बट भाई ने क्या एक गाना बना दो भाई हरियाणवी थोड़ा बदमाशियारी भी लंबी हरियाणा हरियाणा में ले लिया थोड़े से अलग गाने बनाए कोई लड़कियाँ टाइप का गाना नहीं बनाया तो उस वक्त गाना बना दिया तो उस ट आगे आगे चीज़ चाल दे रही और वह चीज़ पीछे रहेगी ओके okay. पीछे वाले बाबू साइन करने के बाद सबसे बड़ी खुशी क्या महसूस हुई आपको सब तो बड़ी खुशी तो याद थी कि मैं एक हिस्टोरिक ही गैस का हरियाणा है

गोवा में मिले थे सब त पहले और बीच पर बैठे थे रात का वक्त था तो मैंने खान की चीज़ा मंगाई गई तो मैंने सोचा ये अभी खादी आंधे बोली ना ना मैं तो डाइट पर रहती हूँ जी मैं नहीं खाती इतना कुछ बोले चलो ठीक है मैंने खानी पड़ेगी और बीच पर मिलाए गए ये फ्रेंच फ्राई पापड़ ये सब मिलाए हैं तो मैंने मंगा लिया तो मेरे तो कुत्ता के बैठ गया तो मैंने उसके पुचकारना से मेरा इन्ना ध्यान चले गया मैं चाहिए तो क्या खाऊती है आराम है कोई नहीं मैं सोचता था अभी केक खुआ इनने केक उस खाओगी डाइट है सॉरी मैं मिलता नहीं सोच इतना देखो प्लेट खाली बोले लिया के बनी मैं कित गए बोली अच्छा है एक प्लेट और मंगा लो बट इट वॉज नाइस अच्छा था जैसा था <laughs> ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नॉन हरियाणवी हरियाणा वालों को सोचते ही ऐसा लगता है कि क्या है ये रूडनेस so, क्या रूड वो तो है मतलब एटीट्यूड मेरा भी फर्स्ट ना यही था ना एटीट्यूड okay. नहीं रूड यो है बाकी लोग फिल्टर लगा के बात कर रहे हैं ये, बोलना, ये नहीं बोलना दिमाग में सोच रहे हम दिमाग में दे नहीं। hmm. बोल दे हां। तो ना लगा आपको अभी कहा जाए कि जो आपके दिल में है वो कर लो पूरा होगा तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में जो दिल में है वो कर लो मैं जितने भी यूथ स्ट्रगल करने लाग रही है क्योंकि मैं स्ट्रगल करके आया हूँ कितना कुछ से पेरेंट्स से लड़ना पड़ा है मैं तो क्यों क्यों कर कर कर? उनकी हेल्प कर सकूं क्यों करे? ओके। तो आपने कभी किया उनकी हेल्प करने की हाँ काफी मतलब जितने सिंगिंग का शौक रखते हैं काफी लड़के जो घर पे मिलने आते थे मैंने उनकी हेल्प की है दैट्स ग्रेट गाइड किए सबको जितना मैं कर सकता था हर किसी को hmm. ओके okay, आपने इतने सारे गाने बनाए hmm. पर पहली फिल्म का एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है hmm. तो डीजे वाले बाबू की शूटिंग करते वक्त सबसे जबरदस्त चीज क्या थी जो आपको लगी वहाँ? डिफरेंट तो देखो फिल्म तो एक बिल्कुल ही अलग ही चीज है hmm. और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया तो म्यूजिक वीडियोस शूट किए हमने तो तो उसमें तो कैमरे पैन होते रहते लेफ्ट टू राइट इधर भाग रहे हैं वो बट uh, जब फिल्म पे गए तो कैमरा रख दिया मनदीप सर ने और कहते चलो शुरू हो जाओ <laughs> तो मेरे को मेरे को मेरे को लगा भी यार कैमरे की कोई ट्रॉली भी नहीं लगे कुछ भी नहीं है थोड़ा वेअ सा फील हो रहा है मैंने कहा सर ये कैमरा यही रहेगा बोले हाँ ये रही यहीं रहेगा आप करो तो मैंने मेरे मन में मतलब एक वो भी था मेरा ध्यान एक्टिंग में कम कैमरे की तरफ ज्यादा था कि घूम क्यों नहीं रहा मुझे मज़ा नहीं आ रहा भाई याद है इतना ज्यादा इन्होंने उस टाइम पर वो पॉइंट आउट किया मुझे बोलते माही यार ये ऐसे नहीं हो रहा जैसे गानों में होता है mm -hmm. तब अपने मनदीप सर से पूछा सर ने बोला कि मूवी का थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है गुजार तो डोंट बी पैनिक जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आ, मैंने उस होटल में फिल्में भी देखी काफ़ी तो उनमें देखा कि हाँ स्टिल सीन होते हैं mm -hmm. तो वो फिर मैंने समझा कि हाँ सही हो रहा है फिल्म ऐसे ही बनती है तो वो एक अलग ही था ओके okay. माँ बाप की सबसे बड़ी व्याधि होती है कि अपने बेटे को ब्याह के लिए मनाना आपको घर वाले कैसे मनाते थे और अगर कोई रिश्ता आ जाता था तो आपका बहाना क्या होता था मुझे करियर में आने के के बाद घर वालों ने कभी इन चीज़ों के बोला कि शादी कर ले और कर ले नहीं अच्छा आपको कभी कोई लड़की एकदम रैंडमली पसंद आई हो मुझसे पहले कि हाँ ये परफेक्ट थी नहीं मेरे तो इवन गाने भी ऐसे होते हैं कि यारी दोस्ती पर तो मेरा उन्हीं चीजों में रहता था ध्यान मेरा कभी इन चीजों में ध्यान ही नहीं गया इवन घर वाले शौक थे जब मैंने पहली बार

यारा खातर अपने छोरा मर भी सके सह बदमाशा कहारी मांड कर पर छोरी नहना टच कर दायो या तो फाइट करे कोन्या जे कर दा तो टू मच कर दा यो जिस हिसाब ते चल इसके जीन के दिन भी थोड़े है डाटे ते जे डट हो तो डाट लियो इस घोड़े ने <laughs> अब मैं कुछ आर्टिस्ट के नाम लूंगी <laughs> आपको उनकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है एम ए वर्क? एम ए पाजी का जो कॉमेडी टाइमिंग है मूवी में वो बहुत अच्छी लगती है मुझे hmm. सिद्धू वाले जी उनमें उनमें तो सभी अच्छा है क्या बताएं वो तो एक मिसाल है स्ट्रगलर्स के लिए सच बताऊं तो कि इंसान कुछ भी कर सकता है चाहे तो किसी भी लेवल तक जा सकता है और हिम्मत Hmm. आपके गाने आने से पहले सिद्धू मूसे वाले जिसे कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत इंस्पायर कर गई हो हम्म कि पैसे और ये चीजें मायने नहीं रखते अगर आप में टैलेंट है तो हम्म hmm. मुझे कहते थे कि पतला सा है क्या तू आएगा वीडियोस में ये वो बट hmm. मैंने ये चीज़ सीखी ये चीजें मायने नहीं रखती आपके लिए अगर आप में टैलेंट हो तो यो हनी सिंह उन्हें बिंदास रहना तो so, ये सब तो हो गया अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ mm -hmm. क्या कभी आपके फ्रेंड्स ने बोला है कि माही आपसे हाइट में थोड़ी यू you नो know, कम है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है उन्होंने ऐसा कभी नहीं उन्होंने बोला कि क्यूट लगते हो आप लोग क्यूट? Oh, हाँ। और मुझे छोटी हाइट की लड़की ही पसंद थी Achha. मेरे को एक्चुअली मंत्रम फिल्म देखता था बचपन में मैं

ये जो आपका हेयर स्टाइल और ये मुस्ताचिज है इन hmm. फ्यूचर आपको कभी मूवी मिलती है कि ये दोनों थोड़ा सा करना पड़े आपको एडजस्ट तो आपका क्या रहेगा देखिए लोगों ने शुरू से मुझे इस हेयर स्टाइल के साथ और मूछों के साथ देखा है hmm. दूसरी बात सिर्फ पहचान यही नहीं बनी मेरी मेरा जो टैलेंट है मेरे जो शब्द बोलते हैं जो मैं लिखता हूँ वो भी लोगों को अच्छे लगते हैं फोन में जब सुनते हैं तब मेरी शक्ल नहीं दिख रही होती वो एक पहचान बन गई उस आवाज़ के साथ कि ये इंसान इतना अच्छा लिख सकता है अगर मेरे को कल को ये बाल कटाने पड़ते हैं किसी रोल के लिए कुछ तो वो कॉन्सेप्ट या कुछ वो कंटेंट ऐसा होगा जिससे मैं लोगों के दिल को अच्छा लगूं और लोगों में वो वो चीज़ अच्छे से वो कर पाऊं तो करना पड़ेगा मुझे और मैं करूंगा और जैसे आप बार बार जाते हो हु, सैलो में जाते हो तो उनको कैसे बोलते हो कभी गलती से ये कट नहीं हुआ बाल और कभी मैं ये बोलता हूँ भाई अड़का कर दे नहीं चाहिए गुलजार नाउ ओवर टू यू मैं खेलूं के बी हम्म <laughs> <चारी। laughs> hmm. मेरी धर्म पत्नी जी <laughs> अब मेरी पहली फिल्म की मुख्य अभिनेत्री से मेरा ये सवाल है hmm. कि शुरू से लेकर डीजे वाले बाबू तक का सफर hmm. जैसा सोचा था वैसा ही रहा है या अलग हुआ है कुछ नहीं मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मतलब मुझे लग रहा था सब कुछ नया था अब तक सॉन्ग्स किए एड्स किए मॉडलिंग करी मैंने काफी जगह तो मुझे ये था कि यार पता नहीं मैं ये मूवी कैसे लूँगी फर्स्ट एक्सपीरियंस था बट mm -hmm. बहुत डिफरेंट था जितना डर रही थी उससे बहुत ईजी था और बहुत मज़ा आया मुझे मैंने बहुत कुछ सीखा मेरे को आर्टिस्ट से और मंदीप सर से पूरी क्रू से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए सब डेली लाइफ में घटने वाली कोई ऐसी बात बताओ जो ज़्यादातर आपको गुस्सा होने का या उदास होने का कारण बनती है <laughs> मेरा है. <laughs> पूरे दिन में कोई ऐसा टाइम नहीं जाता मैं बोलूँगी गुलजार सुन रहे हो गुलजार गया गुलजार like hmm. सुन रहे हो हम्म hmm. फिर मुझे गुस्सा आता है फिर कभी कभी तो कंट्रोल कर लेती हूँ यार छोड़ो हो जाता है फिर कभी कभी फट भी पड़ती हूँ बट हाँ हैं, हैंडल कर लेते हैं मुझे आसानी से बेस्ती <laughs> कर <laughs> अच्छा आप हरियाणा के आज एक स्टार हो और अब हरियाणा की बेटी भी हो बहू भी हो इसमें आप ये बताइए कि जैसे जो हरियाणा के बारे में गलत सोचते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना बढ़ने देना चाहते उनके बारे में क्या कहना चाहूँ अभी हाल ही में कुछ स्पोर्ट्स के मेडल जो है वो हरियाणा की बेटियाँ लेकर आई हैं और जैसे कि कुछ साल पहले मिस वर्ल्ड बनी थी वो हरियाणा की ही थी तो ऐसा नहीं है अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा हरियाणा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको किसी काम का करता धरता बना दिया जाए hmm. जिसमें आप हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट हो hmm. कि आपसे बेटर वो कोई काम कर नहीं सकता तो अब कौन सा काम होगा वो और क्यों परफेक्ट मदर बन सकती हूँ मैं बिकॉज मुझे केयर करना बहुत पसंद है hmm. मैं नहीं छोड़ना चाहती एक भी मौका ऐसा कि मैं बच्चे को नर्चर ना कर पाऊँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मम्मा पापा मेरे नहीं थे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ को बच्चे को प्यार देना बहुत ज़रूरी है तो वो मैं अच्छे से कर सकती हूँ और मैं वेट भी कर रही हूँ आके चल के इन फ्यूचर मदर बनूँगी तो मैं ये ज़रूर करूँगी बहुत बढ़िया अब देखो सवाल मुश्किल है पर जवाब ज़रूरी है मेरी कोई ऐसी क्वालिटी बताओ जो आपने कभी किसी इंसान इन, में एक्सपीरियंस ही नहीं की दैट यू आर मजिशियन जब मैं कभी गुस्सा हो जाती हूँ ना मुझे कोई हैंडल नहीं कर पाता तो आप हो ऐसे चाहे थोड़ा टाइम लगता है नहीं मुझे समझने में बट आप कर लेते हो ऐसा तो यू नो कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है ये परफेक्ट चीज़ बनाती है अब मैं लेता हूँ कुछ एक्ट्रेसेस के नाम और अगर आपको उन एक्ट्रेसेस से कुछ एडवाइस लेनी होगी तो आप क्या लोगे सोनम बाजवा हर बॉडी लैंग्वेज बहुत परफेक्ट दीपिका पादुकोण आई लाइक हर एक्टिंग स्किल्स परफेक्ट एकदम नीरू बाजवा एक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स एवरीथिंग इज ओके आपको एडवाइस क्या लेनी होगी अगर मैं एडवाइस उनसे ये लूंगी कि कैमरे uh, के आगे और कितना कॉन्फिडेंट रहा जा सकता है बिकॉज कभी कभी मैं हो जाती हूँ अनकॉन्शियस mm -hmm. आदत नहीं है ना अभी फर्स्ट ही की थी तो मैं उनसे ये एडवाइस लेना चाहूँगी कि वो स्टाइल कैसे रख, रखा जा सकता है खुद को mm -hmm. ये हरियाणा की शान है सपना चौधरी सपना चौधरी जी के बारे में तो क्या ही बोलूँ अभी गाना भी किया है मैंने mm -hmm. मूवी के बाद आएगा बहुत अच्छी है नेचर भी बहुत पोलाइट है उनका कुछ हरियाणवी वर्ड्स में आपसे पूछता हूँ उनके मतलब ना, आपको शायद आ, दो साल हो गए ग्रुप ऑफ वो बटोड़ा <laughs> वो, मतलब, हाँ, हाँ, वो, वो, वो जो ग्रुप होता है उनका काफी सारा वो बनाकर इकट्ठा करके <laughs> रख देते हैं टॉम टाइप बना के रख देते हैं गाँव में अच्छा गोशे किसने क्या करे वही जो गोबर काउडंग डंक होता है ना उसका बनता है वो आई थिंक अच्छा हवाई होता है वो काउडंग से बना होता है mm -hmm. थे प्लीज सी मदानी uh, मदानी जिसमें शायद अचार रखते हैं हां रखा अचार मदानी में अचार रखे ही तुम फिर रख के दिखा दी मदानी में अचार uh, <laughs> मदानी हुआ जिस तरह लासी बिलो जाए करे अच्छा वो ओके के के कर रहा उसमें मुझे भी नहीं पता हम ब्लेंडर बोलते हैं इंग्लिश में ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹੌਲ ਲੈ ਔਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਮਾਰੀ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਹੈ এব ਮੈਂ ਬੋਲੂਗੀ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਓਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਹੀ ਕੈਸੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕੈਸੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮਾਹੀ ਨੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇ ਫਸ ਜਾਵੇ तो सबसे पहला फोन किसने करया और क्या कह गुलजार अगर प्रॉब्लम में होते हैं सबसे पहले दो पैर हाथ पैर कान चल रहे यही होश नहीं होता ऐसे उठेंगे प्रॉब्लम हो गई फोन अरे गोविंद गोविंद कड़े चल घर आ भाई रोला हो गया ऐसे करके गुलजार के होश उड़ जाते हैं बिल्कुल और ना किसी चीज में ध्यान लगाते ना मन लगता है किसी भी चीज में और बस पूरा टाइम पैनिक होते रहेंगे जब तक गोविंद घर नहीं आ जाएंगे वो पचती नहीं है बात ही नहीं, कि क्या हो गया इनके साथ ऐसा ही है काइंड ऑफ बट इतना तो नहीं मैं? ऐ, ऐसे ही होते हैं पैनिक अगली बार वीडियो बना कर दिखाऊंगी hmm. चलो ज्यादा बेरा बेरा हुआ तो रहे कई बार उस टाइम खुद पर माही अगर किसी का झूठ पकड़ ले हुए है तो कैसे रिएक्ट करे है? ए भाई साहब ये मजेदार है रेल बना दे भाई साहब जमा <laughs> भाई साहब के बहन जी रेल बना दे जमा बहुत झूठता सख्त नफरत है इसने जमा अगर कह दिया ना आठ बजे आ गया बस और आठ पांच हो गए तो आठ बजे क्यों बोलिया था क्या इसका एक के डायलॉग होगा जब भी नाराज हो जाएगी बस ने कह बात मत कर लेना मुझसे बस, बस उसका बाद नहीं मान लिया दुनिया जमा सुन हो गई है या छोरी नहीं बोलेगी चाहे कोई आ जाओ इसने बुला या नहीं बोलेगी या अपना आप दस पंद्रह मिनट बाद नॉर्मल होगी उसके बाद खुद ही बोलेगी नहीं तो नहीं। कोई नहीं बुला सकता ने जे कोई गहरी नींद में से एकदम उठा देवे तो वो कैसे रिएक्ट करे वेट। <laughs> 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 कोई मतलब नहीं है चाहे बाढ़ में जाओ कुएं में गिरो बिल्कुल नहीं उठेंगे बस अभी थोड़े दिन पहले तबीयत खराब थी तो थोड़ा ध्यान रखा था गहरी नींद में नहीं सोए थे बाकी दो नहीं उठते ही नहीं है जितनी देर तक उठा लो गहरी नींद में नी सकता मने कोई गोविंद है बस सेट पर कई बार सोचे हूँ ना मैं नींद आ भी भीतर जा सो मैं तो डी ओ पी आ सर आ जाओ आ जाओ मैंने सबे चार बजे तक चाल है फिर आओ गोविंद भाई एक शिफ्ट के तो लाग लिए और दूसरे के लागन ना हो रहे हैं जी एक घंटा ना खड़े खड़ा है खड़ा है चल 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 खड़े मुंह के चल बस गोविंद उठा क्या मन ये तो है माही जब किसी चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जावे है तो कैसे रिएक्ट करे है? कौन मैं में माही माही कोई चीज ना कंफ्यूज हो जाए लेकर तो मेरे तो गुछाएगी अच्छा पूछ सी तो गे खुद जवाब भी देगी अच्छा ये पहन लूँ अच्छा तो नहीं लगेगा वैसे आपका ध्यान भी रहता है आप बताते तो रहे हो बट पता नहीं ठीक बता रहे नहीं बता रहे मतलब भाई मेरे से पूछा है क्यों है बताने का फर्ज बनता है आपका और किससे पूछे मजा के बोले ठीक है फिर ये पहन ले हाँ तो समझना चाहिए ना लड़कियों के साथ ये रहता है भाई साहब खुद है जवाब खुद है सवाल समझ नहीं आता बस शांत शांत रहा तो भी नहीं कहेगी कुछ बताते ही नहीं है चुप बैठे रहेंगे ये वो फिर करना ना ये पहन ले ये क्या चॉइस हुई आपकी तो चॉइस अजीब है मेरी ठीक है जो मैं बताऊंगी वही ठीक है <laughs> अगला बंदा कंफ्यूज हो कई देर तक बोल के चल जाएगी बंदा गया यार मेरे तिक्ही हो गया थोड़ी देर <laughs> पहले मैंने जवाब दिए सवाल करे हैं क्या है, के करें है? <laughs> बहुत कंफ्यूजन <कन्फुण> है <laughs> इसे खात्र कहते हैं ना समझना बहुत मुश्किल <laughs> कभी कभी मुझे बोल देते हैं इस खातिर मैं ब्याह कौन करूँ था मेरा तो ये डायलॉग रहा है <laughs> कोई बात हो जाए तो मैं भाई सब इसे खातर इसे खातर थोड़ी आता नहीं बना मेरी इवन कुक से भी बोलते हैं शादी मत करियो भाई तू hmm. <laughs> खुद ने कर ली ए बारी है सुरीले के सरप्राइजिंग सवाल की और सवाल कौन पूछेगा ये भी अपने आप में एक सरप्राइज है सो रेडी हो जो वी आर रेडी हाय गुलजार कैसे हैं आप अच्छा गुलजारा मुझे एक बात बताइए जब आपने अपनी पिक्चर की शूटिंग शुरू की अपसेट पे आए तो आप अपने डायरेक्टर की बात नहीं सुनते थे फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम प्रोफेशनल एक्टर की तरह आप बात सुनने लगे और आपको सब चीज़ समझ में आने लगी और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गई ये बड़ा बड़ा सवाल है इसका आंसर दीजिए आप ज़रा ये फिल्म जब शुरू पहले दिन मैं सेट पे आया था तो मेरे लिए सब कुछ बहुत अजीब सा था मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने मतलब एक अलग ही जर्नी शुरू की है तो पहले दिन सब कुछ कैमरा मूवमेंट होती है कुछ भी ले लो मैं म्यूज़िक वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ तो मेरे लिए सब कुछ नया था और सुबह सात बजे उठना <laughs> वो भी गुलजार के लिए बहुत मुश्किल पॉसिबल चीज़ है बट जब उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए तो मुझे लगा ये एक जिम्मेदारी है

इतनी अच्छी से तैयारी की आपने डबिंग के लिए फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने डबिंग करने से इनकार कर दिया ऐसा क्यों हुआ मैंने मना नहीं किया था सर इतने स्मार्ट थे कि पहले से ही उन्होंने सोचा कि माही का वो प्रॉपर एक्सेंट नहीं आ पाएगा एज यू नो कि वो दिल्ली वाली लड़की हूँ तो सर ने पहले से डबिंग करा रखी थी वो ओ... माई ने पहले तो तैयारी कर रखी थी मैं इतनी प्रिपेयर्ड होकर आती थी लगातार आती रही मेरे साथ रोज डबिंग के <coughs> लिए मेरा गला खराब था की प्रॉब्लम हो रही थी मुझे तो मैंने ट्रीटमेंट भी ले लिया मुझे था कि मैं ही डबिंग करूंगी और मैं आई आके 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 सेंडल घिस चली गई लेकिन मेरी डबिंग नहीं हुई <laughs> जब माइक पर पहुंची तो मैं यहाँ बैठा था स्टूडियो में दूसरी तरफ माइक के पास लाइक माही एक सरप्राइज है आपके लिए मैंने बोला क्या सर एक बार ना मैं आपका वीडियो प्ले करता हूँ और ये आवाज़ सुनना ज़रा तो मैंने कहा ठीक है सर देख लेते हैं उससे पहले मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम डबिंग करनी थी तो सर ने वो प्ले किया मुझे लगा नहीं नहीं वही ठीक है मैं तो बहुत पुअर हूँ हर हरियाणवी में सीखना पड़ेगा वही ठीक है फिर आप ही ने वो जादू किया और मैंने कहा ठीक है ओके चलेगा ये भी नेक्स्ट में मैं ट्राई करूँगी बोलने का डायरेक्टर साहब के सवाल के बाद इब सुरीली चावे है कि आप दोनों भी किसी पंजाबी कलाकार ने सवाल पूछो जो आपने एन आर्टिस्ट बहुत बढ़िया लग गया और भी सी दिलता ही निकले। मुझे सतेंद्र पूछना है कि उन्होंने लिखना कब शुरू किया था कब से लिख रहे हैं क्योंकि उनकी जो लिखाई है मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ एक कहते ना जो रूह खुश कर देती चीज वो है उनके गानों में मुझे तो दिलजीत से पूछना है कि शादी हुई है या नहीं हुई है कुछ पता ही नहीं है हमें एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू नो बात हुई क्यों तन के लेना देना भी है। अरे तो मुझे अच्छे लगते हैं जैसे वो है ना उनकी वो किडो वाली हैबिट्स कहीं भी डांस करना कहीं भी फन करना मुझे अच्छा लगता है चलो बात तो बढ़िया है के है ब्याह पूछता तुम वैसे जानना चाहती वैसे पूछना हु हाँ, हाँ, तो क्या हो गया अल्लाह मैं शादी शुदा ये बात नहीं पूछ सकती ठीक है पूछ ले मैं भी किसी एक्टर का नाम लूंगा मैं पूछ समझता कुछ चल रहा है <laughs> इब बारी है हमारे लास्ट फन सेगमेंट की जिसका नाम है हु नोज बेटर इब मैं पूछूंगी कुछ सवाल और आपने अपने सामने पड़े प्रॉप्स को उठाना है और एक दूसरे की तरफ इशारा करके जवाब बताना है <laughs> इसने दिखे कौन सुना सुन ऐसे जरा आपने पहले उठा लिए कोई नहीं उठाने को मेरा पता है, <laughs> <laughs> दो दो है। क्या पता देख भी रही हो बिग बॉस ना ना दिखा दका नहीं <laughs> सुबह जल्दी उठ के कौन राजी रहता है <laughs> किसके पेट में बात नहीं पचती कंप्लीट <laughs> ब्लास्टर है ये बंदा कभी भी कोई भी मैं बोलूँगी गुलजार ये सीक्रेट है और ये नहीं बताना थोड़ी देर में मम्मी माई न्यू कैन लाग रही थी गोविंद माई ये बोल रही थी पूरे सबको पता होता है बस ना चले लाइव आकर भी बता दे माई ये कह रही थी ना ना। सब ज़्यादा खर्चा कौन करे है या, या ये या या सॉरी है ना या देगी। <laughs> नहीं या ये भी कभी भी जैसे प्रॉप्स लेने हो ना स्टूडियो के कपड़े लेने हो तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेने गुजार का है कि हाँ ले लिया नहीं नहीं ये चलेगा यहाँ कॉम्प्रो कर लूँगा लेकिन स्टूडियो के प्रॉप्स होंगे ना सारी वेराइटी पड़ी है हमारे पास सारी सब कुछ एक बार में खरीद लेंगे बस ये वहाँ थोड़ा खर्च करते हैं वैसे तो नहीं वैसे चलता है इनका तो काम की चीज होगी ना वे तो लेनी पड़े ये खर्चे क्या लग रहे हैं वे तो जरूरत है, तो मे, मे, है कपड़े पहनने वो खर्चा हो गया दो, दो बिलास मैं। तो, ने तो घर पे बोला था कि आप अपनी बेटी दे दीजिए मैं उसको खुश रखूंगा फलाना ढमकाना मैंने कही थी खुश रखू नहीं मैं बर्बाद होना चाहूँ मैंने बर्बाद कर देगा नहीं बर्बाद नहीं कर रही वो मेरा शौक है आपने ही कहा था ना मैं कमाऊंगा और तू उ हो तो बस वही वाला गेम कुछ ज्यादा स्पीड नहीं लग रही तू बचेंगे ही नहीं अच्छा ठीक है मैं ध्यान रखूंगी आगे से लिमिट में करूंगी ठीक है पॉकेट मनी बांध देना मेरी पॉकेट मनी डीजे वाले बाबू के पैकअप के बाद कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड था मैं था दोनों ही थे आ, दोनों ही थे दोनों ही थे दोनों थे एक्साइटेड बहुत खुशी थी Hmm. पहली बार साथ में मूवी इतनी बड़ी और कुछ नया हरियाणा के लिए हो रहा तो दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे और है भी hmm. एक अलग नया एक्सपीरियंस था हमारे hmm. लिए ये मूवी तो hmm. तो दोनों एक्साइटेड थे इसके लिए किसी से बात मनवाने के लिए कौन तरीफों के पुल बांधता है <laughs> ये बंदा मेरे पास आके हाँ भाई तो आज तू अच्छी लग रही है पता तो है तू ऐसे खुले वालों में फिर कोई भी एक्स वाई जेड बात होगी ना या या जाना है कहीं कुछ काम करना है तो माही ये ठीक है क्या और ऐसे बच्चे वाला मुंह बना लेंगे आया मुझसे अपनी बात करे तो, तो। <laughs> नहीं वो पूछ रहे सुरैली पूछेगी तो आंसर करना तो करना पड़ेगा तो जवाब देना पड़ेगा चलो गुस्से होने के बाद

इस उरा लड़का को फायदा नहीं है हाँ। लास्ट में मम्मा ने गुनहगार बताऊंगी फायदा तो क्या है इस तरह चुप रहो ना अपना शांत रहो काम करो बट मेरा गुस्सा शांत नहीं होता जल्दी से <laughs> ज्यादा भूख किसे लग गया है मना ओवर ईटिंग की दुकान सब कुछ एक साथ सब कुछ सब कुछ अब इतना, कुछ भी पड़ाओ किचन में अब कोई बंदा गुस्सा ना करता हो ठीक है अरे किसी की इरीटेशन जल लग रहा हो खर्चे लग रहा है, सब कुछ है तो बंदा ने भुगतो लग न इनफैक्ट कभी ऑर्डर भी, भी कर देंगे ना तो इतना नहीं है कि साथ में ही मेरी वाइफ बैठी और मैं पूछ लूँ तुझे कुछ खाना है अकेले ऑर्डर कर खा कर खा कर जब वो डस्टबिन में जा रहा होगा ना रैपर मैं पॉइंट मारने के लिए बैठी होती हूँ हा? हाँ खा लिया ना अब तो भूख नहीं लग रही मेरे को तो पूछना भूल गए फिर बोलेगा अरे तू भी खाएगी क्या तेरे जैसे जैसे तू दिखते लगते हो तू कुछ खाएगी भी मन भी करता होगा तेरा मैंने पहली बार जब तो फर्स्ट टाइम मिली थी ना गोवा में तब मन देख ली थी सोरी आगे चीज करने का फायदा नहीं है या सारी खा जाएगी उसके बाद मैं इतनी माड़ी हो गई है ना कुछ <laughs> मैंने तो करी है माड़ी हर एक चीज का तेरी जिंदगी में मैं हूँ शादी के बाद ये ब्लेम तो वही है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी होने लग रहा है मैं सांस नहीं लेने लग रही है मैं जाऊँ जाऊ मेरा पैर से झल गया सब तू है तेरी वजह तो हुआ है सब कुछ मारा घर में

हाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता थोड़ा तो होना चाहिए पेशेंस होना चाहिए है बट आपको ज्यादा ही इरिटेट कर देते हो घंटे घंटे तक फोन के आगे से हिलोगे नहीं और एक चीज हो रहा है वो क्या ही बोलूँ <laughs> वॉशरूम जाने के बाद दस घंटे तक बंदा फोन पे बिजी फोन 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 मैं बाहर वेट करती रहूँगी गुलजार आई नीड टू गो टू वॉशरूम फोन 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 बहुत वेट करना पड़ता है मुझे बाहर

ओड़ा भी ना तन तो अड़ा भी क्यों जावे है ठीक है भाई ठीक <laughs> है लो जी मजा आ गया पर इससे भी ज्यादा मजा आएगा आपने गुलजार और माही की फिल्म डीजे वाले बाबू देख के गुलजार अपनी फिल्म के बारे में बताओ डीजे वाले बाबू एक सस्पेंसफुल थ्रिलर मूवी है और एक फैमिली मूवी है आप अपनी फैमिली के साथ जाइए यार दोस्तों के साथ जाइए जरूर देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा इस मूवी में आपको हर आप गैस नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या होगा इसके बाद लास्ट तक आपको ऐसे रहेगा कि ये भी हो सकता था क्या तो इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ बताना अलाउड नहीं है आप देखिए जाके आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत अच्छी लगेगी और ये मूवी रिलीज़ होगी चौदह अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में तो ज़रूर जाइएगा देखिएगा अपने परिवार के साथ यारों दोस्तों के साथ जाइए डीजे वाले बाबू on 14th of October. ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਸੈਲਫੀ ਸੁਰੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਕ੍ਰਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਜ਼ਨ 2। अपनिया फेवरेट पंजाबी फिल्म अते शोज देख रहे सब्सक्राइब करो पिटारा दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते क्रेस करो बेल आइकन कर। कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करने।